सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांचवी विषय हिंदी उप विषय पाठ दो आग की खोज व्याख्यान एक। बच्चों हम आज पाठ दो की पुनः दोहराई करेंगे। इस दोहराई में आपका व्याख्यान एक ही रहेगा इस पाठ का। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द व शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य व भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान एक जो पिछला पाठ हमने किया था, पाठ एक समय बहुत ही मूल्यवान है कविता का जो प्रदत्त कार्य दिया गया था उसका हल भी जानेंगे। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों के बीच में, पशु पक्षियों के बीच में, जीव जंतुओं के बीच में। उनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। घने का अर्थ है गहरे। उनके शरीर पर गहरे बाल होते थे। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी गर्मी वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं होते थे। हिंसक का अर्थ है भयानक। भयानक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं होते थे। वे पेड़ घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। उन्हें आदिमानव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदिमानव। संयोग से आदिमानव को आग का पता चल गया। एक बार वे शिकार करने जा रहे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। हथियार का अर्थ होता है औजार, जैसे भाला चाकू आदि। उनके पास कुछ भी हथियार नहीं थे उस समय। अतः उन्होंने एक बड़े पत्थर के छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। प्रहार का अर्थ है वार करना या मारना। एक बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए दूसरे पत्थर को जब उस पर मारा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और इससे क्या हुआ? इससे चिंगारी निकली। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा। फिर वैसे ही लाल पीली चिंगारियां निकली। यह चिंगारियां नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। जहां पर ये लोग पत्थर को तोड़ रहे थे वहीं पर सूखी घास का ढेर था। जब दो पत्थर आपस में रगड़े तो जो चिंगारी उत्पन्न हुई वो उस सूखी घास में जा लगी। इससे घास जलने लगी। आदिमानव उसे हैरानी से देखने लगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने आग को कभी भी नहीं देखा था। इससे उन्हें प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। अनुभव का अर्थ है एहसास। आग जली तो उन्हें रोशनी दिखाई दी चारों तरफ, और आग के जलने से गर्मी भी पैदा हुई तो उन्होंने प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव किया। यह उनके लिए एक नई चीज थी। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए और नाचने लगे। घास पात और लकड़ी डालकर वे उसको जलाए रखने की कोशिश करने लगे। अब उनको पता चल गया था आग जलती है, कैसे जलती है, तो वो अब उसे और लकड़ी घास पात डालकर उसे जलाए रखने की कोशिश करने लगे। यह थी आग की खोज। आग का पता तो चल गया। संयोग से एक बार किसी के हाथ से मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया। बच्चों पहले के आदि मानव क्या करते थे? कच्चा मांस खाते थे क्योंकि उन्हें आग के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो कच्चा मांस खाते थे। तो एक बार किसी दिन उनके हाथ से मांस का टुकड़ा आग में जा गिरा।
उन्होंने उसे उठाकर खाया तो वह बहुत स्वादिष्ट लगा। स्वादिष्ट होता है मजेदार। अब वो पहले कच्चा मांस खाते थे, जब आग में पका हुआ मांस खाया तो वो उन्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। प्रबल का अर्थ है तेज। जब उन्हें खाने में स्वाद आने लगा तो वो चाहते थे कि इस आग को हम कैसे जलाए रखें, और उनके मन में यह इच्छा और तेज हो उठी। पर आग को कैसे जलता रखा जाए, यह उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा, इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उनकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उन्होंने उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया, फिर उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी बना ली। जब उनको आग का पता चल गया था तो दोनों ने सोचा कि इस आग को कैसे जलाया रखा जाए, क्योंकि आग तो एक बार जल गई उसके बाद शांत भी हो जाती है, लेकिन उसे हम लगातार कैसे जलाए रखें, ये उनके मन में एक समस्या थी। पर किसी तरह उन्होंने इसका हल भी ढूंढ निकाला। उन्होंने फिर से दो पत्थरों को आपस में रगड़ा और आग सरलता से पैदा हो गई। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उन्होंने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उन्होंने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। वे उनको बड़ी सावधानी से रखने लगे। यह पत्थर चकमक के पत्थर थे। जिन पत्थरों से आग की खोज हुई वो कौन से पत्थर थे? चकमक के पत्थर थे। अब वो आदिमानव इन पत्थरों को सावधानी से रखने लगे। धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस युक्ति को काम में लाते हैं। युक्ति का अर्थ है उपाय। गांव वाले आज भी दो पत्थरों को आपस में रगड़कर उनसे आग उत्पन्न करते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। आग किस प्रकार पैदा की जाए इसके तो प्रयोग चलते रहे। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई का अर्थ होता है माचिस। माचिस का भी आविष्कार हुआ, उसका भी खोज की गई। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दिया सलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। कहाँ है? राजस्थान के कोटा शहर में। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम माचिस की सहायता से आग जल्दी से उत्पन्न कर लेते हैं, पैदा कर देते हैं, आग को जला लेते हैं। हम उसे कोई महत्व नहीं देते। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब हम इस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। सीख बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या सीख मिली? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार के द्वारा ही आदि मानव आज इस आधुनिक मानव के रूप में परिणित हुआ। तत्पश्चात
आग की खोज हुई। बच्चों इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में मानव के विकास की कहानी बताई गई है। इसमें हजारों वर्ष पहले आदि मानव द्वारा आग के आविष्कार की कहानी का वर्णन है। आग का आविष्कार तथा उपयोग मानव सभ्यता की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। नंबर 1 जबड़ा, नंबर 2 खूंटी, नंबर 3 दिया सलाई, नंबर 4 प्रकृति, नंबर 5 प्रहार, नंबर 6 हिंसक, नंबर 7 संयोग, नंबर 8 हैरानी। एक बार पुनः दोहराते हैं। नंबर 1 जबड़ा, नंबर 2 खूंटी, नंबर 3 दिया सलाई, नंबर 4 प्रकृति, नंबर 5 प्रहार, नंबर 6 हिंसक, नंबर 7 संयोग, नंबर 8 हैरानी। नंबर 9 युक्ति। युक्ति का अभी पहले भी बताया था, क्या है? उपाय। नंबर 10 प्रसन्नता, ये न है आधा और फिर पूरा न, प्रसन्नता। नंबर 11 है महत्वपूर्ण। नंबर 12 है मनुष्य। नंबर 13 है तत्पश्चात, ते आधा ते पूरा, पे आधा शे चे या तत्पश्चात। नंबर 14 है स्वादिष्ट। नंबर 15 गुफाओं। नंबर 16 है चिंगारियां। पुनः दोहराते हैं। नंबर 9 युक्ति, नंबर 10 प्रसन्नता, नंबर 11 है महत्वपूर्ण, नंबर 12 है मनुष्य, नंबर 13 तत्पश्चात, नंबर 14 है स्वादिष्ट, नंबर 15 गुफाओं, नंबर 16 है चिंगारियां। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आदि मानव। आदि मानव का अर्थ है आरंभ में उत्पन्न मनुष्य। नंबर 2 स्वादिष्ट, इसका अर्थ है खाने में मजेदार। नंबर 3 सरलता, इसका अर्थ है आसानी। नंबर 4 प्रकाश, इसका अर्थ है रोशनी। नंबर 5 प्रबल, प्रबल का अर्थ है तेज। नंबर 6 आविष्कार, आविष्कार का अर्थ है खोज। चलिए बच्चों अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न क, पत्थर रगड़ने पर किन रंगों की चिंगारियां निकली? इसमें आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों में से किसी एक को हमें चुनना है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जैसे नंबर 1 लाल पीली, नंबर 2 लाल नीली, नंबर 3 नीली पीली, नंबर 4 हरी नीली। पाठ हमने पढ़ लिया है तो हम इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प चुन सकते हैं। तो पत्थर रगड़ने पर किन रंगों की चिंगारियां निकली? लाल पीली। तो हमें इसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न ख, आदि मानव किसे हैरानी से देखने लगे? यह भी हमने अभी पाठ में पढ़ा है, पत्थर को, आग को, प्रकाश को या मांस को। तो हमने पाठ में किसको पढ़ा है? आग को। आदि मानव आग को हैरानी से देखने लगे, तो हमें इसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, लाखों वर्ष पहले मनुष्य का जीवन कैसा था? लाखों वर्ष पहले मनुष्य का जीवन कैसा था? उत्तर है, लाखों वर्ष पहले मनुष्य पशु पक्षियों
जीव जंतुओं के बीच जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगल में रहता था। प्रश्न ख, आग को बनाए रखने की इच्छा आदि मानव में कैसे प्रबल हुई? जब उन्होंने आग की खोज कर ली थी तो उसे कैसे जलाए रखना है, यह इच्छा उनके मन में कैसे तेज हुई? उत्तर है, संयोग से एक बार किसी के हाथ से मांस का एक टुकड़ा आग में गिर गया। उन्होंने उसे उठाकर खाया तो वह स्वादिष्ट था, खाने में मजेदार था। इसी कारण आदि मानव में आग को बनाए रखने की इच्छा प्रबल हो उठी। प्रश्न ग, गांव वाले आग कैसे पैदा करते हैं? उत्तर है, गांव वाले सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। यहाँ खालिस्तान है जो मैंने भर दिए हैं, आपको अपने पाठ्य पुस्तक में भरने हैं अगर किसी बच्चे ने ये नहीं भरे हुए हैं। क है, भोजन की खोज में आदि मानव जंगल में इधर उधर घूमा करता था। कहाँ घूमता था? जंगल में। ख, संयोग से एक बार किसी के हाथ से मांस का टुकड़ा आग में गिर गया। क्या गिर गया? मांस का टुकड़ा। प्रश्न 4, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, आदि मानव का भोजन रोटी चावल था। खाते थे आदि मानव पहले रोटी चावल? नहीं ना, क्या खाते थे? कच्चा मांस। तो हमने इसके सामने गलत का निशान लगाना है। ख, हिंसक जानवरों से बचने के लिए आदि मानव के पास घर नहीं थे। थे उनके पास घर? नहीं थे, इसलिए हमें यहाँ सही का निशान लगाना, क्योंकि ये वाक्य सही है, उनके पास घर नहीं थे। ग, घास पात और लकड़ी से आग जलती रही, तो यह वाक्य भी सही है, तो इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अब आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान होता है वो आपका बच्चों व्याकरण से संबंधित होता है, उसमें आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण ये सारे चीजें आती हैं। तो इस पाठ में भाषा ज्ञान में सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न 1, जैसे हंस प्लस ई क्या बन गया? हंसी। सफल जमा ता क्या बन गया? सफलता। तो ये जो ई है और ता है इनको बोलते हैं प्रत्यय, जो मूल शब्द यानी कि जो हंस है और सफल है ये होते हैं मूल शब्द, इनके पीछे हम जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है वह प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। अब दिए गए हैं नीचे उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, जैसे इसमें दिया गया है अक और ई। अब हमें इन दोनों में से जोड़ना था जो मैंने आपको यहाँ पर जोड़कर दिखाया है, जैसे गरम जमा में ई, हम गरम जमा में अक नहीं जोड़ सकते, गर्मक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? गर्मी। तो इसलिए हमने ई को यहाँ पर लिख दिया, क्या बन गया? गरम जमा में ई, गर्मी। ख है हिंसा जमा अक, यहाँ क्या बन गया? हिंसक। तो अब आपको प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। भाषा ज्ञान में प्रश्न 2 है, पाठ से संज्ञा शब्द छाटिए और उनके भेद भी लिखिए। यहाँ मैंने शब्द लिखे हैं और यहाँ उनके भेद लिखे हैं। जैसे पहला शब्द आया है पशु। पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। इसी तरह है लकड़ी। लकड़ी भी क्या है? जातिवाचक है, यह भी पूरी जाति का बोध करवा रही है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 है भाषा ज्ञान का, निम्नलिखित वाक्यों में उचित पर सर्ग लगाइए। पर सर्ग ये होते हैं कारक चिन्ह।
क्या होते हैं? कारक, किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए, जैसे में, ने, को, से, के लिए। जैसे इन वाक्यों में लगाए गए हैं, पहला है क, उनकी समझ कुछ नहीं आया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? में, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। ख है उन्हें गर्मी और प्रकाश दोनों का अनुभव हुआ, तो यहां पर का क्या है? कारक चिन्ह। ग, आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे, तो यहां पर के कारक चिन्ह है। में, का और के। बच्चों, आज हमने यह पाठ पढ़ा, कठिन शब्द अर्थ जाने, शब्दार्थ जाने, भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर का भी अभ्यास किया है। तो उसी के आधार पर व्याख्यान एक का आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य, जिसको असाइनमेंट भी बोलते हैं। प्रश्न एक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। आदि मानव के पास घर थे या नहीं? प्रश्न ख, सर्दी गर्मी से बचने के लिए आदि मानव कहाँ रहते थे? प्रश्न ग, आदि मानव ने आग को पुनः पुनः जलाने के लिए क्या साधन अपनाए? प्रश्न दो, उचित प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रसन्नता, कठिन, आई, सरल और ता, इन को जोड़कर नए शब्द बनाकर इनके सामने लिखिए। प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न तीन है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित परसर्ग लगाइए, जो अभी हमने पीछे अभ्यास कार्य में किया था। परसर्ग जो कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, तो वो इन तीनों खालिस्तान में आपने भरना है, वाक्य को पढ़ना है, उसी के आधार पर इसमें परसर्ग लिखने हैं। बच्चों, अब हम पाठ एक में जो हमने गृह कार्य दिया था, पाठ एक का प्रदत्त कार्य, अब हम उसका हल जानते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर है, नदी से हमें बिना रुके निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ख, सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? उत्तर है, सज्जन पुरुष कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। प्रश्न दो है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो जो एक वचन है उसको हमने बहुवचन में बदल दिया, और जो बहुवचन है उसको हमने एक वचन में बदला। जैसे नंबर एक है चर्चा, अब ये एक वचन है, इसको हमने बहुवचन में बदला चर्चाएं। नंबर दो घोंसले, ये बहुवचन है, तो इसको हमने एक वचन में बदला घोंसला। नंबर तीन चिड़िया, ये बहुवचन है, इसको एक वचन में बदला चिड़िया। नंबर चार चींटी, ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या है? चींटियां। नंबर पांच नदी, इसका बहुवचन है नदियां। प्रश्न तीन, प्रश्न तीन है, पेशेवर व्यक्ति क्या काम करते हैं? नंबर एक है बढ़ई, बढ़ई क्या काम करता है? लकड़ी का काम। नंबर दो माली, माली क्या काम करता है? पेड़ पौधों की देखभाल। नंबर तीन धोबी, धोबी क्या काम करता है? कपड़े धोने का काम। प्रश्न चार था, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला है मूल्यवान, मूल्यवान का क्या अर्थ है? कीमती। नंबर दो सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। नंबर तीन पथिक, पथिक का अर्थ होता है यात्री। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।